प्यारे बच्चों, आज हम दयालु सिद्धार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये किसके बेटे थे? सुद्धोधन के। सुद्धोधन इसके बारे में ये किसके पुत्र थे? सुद्धोधन के पुत्र थे। प्राचीन काल में एक राजा थे, उस कौशल देश के एक राजा थे, जिनका पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे वो क्या थे? स्वभाव दयालु थे, दयालु प्रवृत्ति के थे, उनके अंदर दया भाव ज़्यादा थे। अब एक दिन सिद्धार्थ क्या है, किसी बगीचे में घूमने के लिए गए थे। और वहाँ जब बगीचे में गए तो उन्होंने सुंदर पशु पक्षियाँ देखी है, पुष्प देखे हैं, अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ देखी है। तो वहीं एक बगीचे में क्या था, पास में एक सरोवर या तालाब था। अब वहाँ क्या है, हंस थे। अब हंस, कुछ हंस तो पानी में तैर रहे थे, कुछ हंस क्या है, पृथ्वी में क्या है, घूम रहे थे, और कुछ कहते हैं पेड़ों के ऊपर खेल रहे थे। अब राजा को क्या है, बगीचों के सौंदर्य को देखकर राजा क्या हुआ, अति सिद्धार्थ क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अब जैसे ही वह आगे गया तो उसे क्या है, घूमते घूमते क्या है, आकाश से एक हंस गिरा। अब उस हंस के क्या थे, शरीर पे था बाण से क्या बन रखा था, घाव बन रखा था। अब जैसे ही उसके अंदर घाव बन रखा था तो राजा क्या है, सिद्धार्थ उसके पास गया और उसको हाथ पे लिया, उसके घाव को देखा और सरोवर के तालाब के किनारे उसे ले गया। जैसे उसने तालाब के किनारे ले गए, उसका जो घाव था उसे साफ किया और उसे क्या बना दिया, स्वस्थ बना दिया। तब तक क्या होता है कि एक देवदत्त नाम का क्या है, व्यक्ति आ जाता है। वो कहते हैं कि हंस तो क्या है, मेरा है, इसे तो मैंने बाण से मारा है। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि इसकी तो मैंने रक्षा की है, ये आकाश से गिरा था और इसके तो मैंने स्वस्थ करके मैंने इसको क्या है, स्वस्थ बना रखा है, ये हंस तो मेरा है। अब उन दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। देवदत्त और सिद्धार्थ में आपस में हंस के बारे में झगड़ा हो जाता है कि हंस मेरा है। तब कहते हैं वो न्यायाधीश के पास जाते हैं, जो न्याय करता है यानी जज के पास जाते हैं। वो ले जाते हैं हंस को, ले जाते हैं कि महाराज ये हंस ऐसा ऐसा गिरा था, ये हंस मेरा है। तब तक देवदत्त बोलते हैं इसे मैंने बाण से मारा था, ये हंस मेरा है। तो राजा क्या न्याय करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, कह रहे हैं रक्षक श्रेष्ठ, यानी जो रक्षा करने वाला होता है वो श्रेष्ठ होता है, ना कि भक्षक। जो भक्षक होता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता है। यह जो हंस होगा यह सिद्धार्थ का होगा। तो बाद में क्या है, सिद्धार्थ उस हंस को ले जाते हैं, यहाँ निर्णय जज करता है। और उसके बाद क्या है, सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ता है, गौतम पड़ता है। तो ये है सिद्धार्थ की, दयालु सिद्धार्थ की कहानी। अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं, जैसे पुराकालीन यानी प्राचीन काल में। अब है स्वभावने यानी स्वभाव से। अब है शोभनम सुंदर, आहता यानी घायल, अशतरमला शीघ्र, और दृष्टवा यानी देखकर, वर्णम वर्णम का अर्थ होता है घाव। तो ये थे बच्चों इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द। अब आइए मेरे साथ आप बुक पे पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, पाठ आठ दयालु सिद्धार्थ कब तो पढ़ते हैं। कब तो पढ़ते क्या होता है, ये हिंदी को देखकर जाकर खाकर और खेलकर आदि क्रियाओं के लिए संस्कृत धातु के साथ इसका प्रयोग पढ़ते को जोड़ा जाता है। यानी जहाँ पे देखकर होता है, जाकर होता है, खेलकर होता है, वहाँ पे संस्कृत में इसको जैसे दृष्टवा मतलब देखकर इस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कब तो पढ़ते जोड़ा जाता है। अब इस पाठ में आइए और मेरे साथ इसको समझिए कि पुराकाले एक राजा आसीत। पुराकाले यानी प्राचीन काल में एक मतलब एक राजा थे, यानी प्राचीन काल में एक राजा थे। तस्य नाम सुद्धोधना आसी। तस्य मतलब उसका नाम, उनका नाम सुद्धोधन था। उनका नाम क्या था, सुद्धोधन था। सा कौशल देशस्य राजा आसीत। सा मतलब वह क्या थे, कौशल देश के क्या थे, राजा थे। तस्य एकः पुत्रः आसीत। तस्य मतलब उनका एक पुत्र था।
यस्य नामा सिद्धार्थ आसीत। यस्य मतलब होता है जिसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब है राजकुमारः सिद्धार्थः स्वभावेन दयालुः आसीत। राजकुमार सिद्धार्थ स्वभाव से क्या थे, दयालु थे। एकदा सः उपवनम् आगच्छत्। एकदा मतलब होता है एक बार, सः मतलब वह, उपवन मतलब बगीचे में गए। एक बार वह क्या है, बगीचे में गए। कौन, सिद्धार्थ। उपवनम शोभनम मनोहरम च आसीत। उपवन मतलब बगीचे की शोभा क्या है, चा मतलब और मनोहर थी। बगीचे की जो शोभा क्या थी, सुंदर और मनोहरम थी। शोभना मतलब होता है सुंदर और मनोहरम थी। तत्र बहु खगा निवासंती इश्वहा। तत्र मतलब वहाँ। तत्र बहु खगा निवासंती इस्म। तत्र मतलब वहाँ। बहु मतलब बहुत से क्या थे, खगा मतलब पक्षी रहते थे, यानी पक्षी रहते थे। ते मधुरम कलरवम कुर्वन्ति इस्म। ते मतलब वह क्या है, मधुर कलरव मतलब मधुर ध्वनि की क्या आवाज़ करते थे। कुर्वन्ति मतलब करते थे। अनेकः राजहंसः सर्वरे विचरन्ति इस्म। अनेकः यानी अनेक राजहंस वहाँ क्या थे, सरोवर में विचरन्ति इस्म मतलब विचरण करते थे। तेषु केचन जलेषु केचन स्थलेषु केचन च वृक्षेषु क्रीडां कुर्वन्ति स्म। तेषु उनमें से केचन मतलब होता है कुछ, जलेषु मतलब जल में, और केचन कुछ स्थलेषु मतलब भूमि पर, और केचन च वृक्षेषु और कुछ वृक्षों पर क्या करते थे, क्रीडां कुर्वन्ति स्म मतलब कुछ जल में थे और कुछ क्या है, भूमि पे थे, और कुछ पेड़ों के ऊपर क्या करते थे, खेला करते थे वो राजहंस। पुष्पेषु भ्रमरा भुजन्ति स्म यानी फूलों के ऊपर भौरे घुसते थे। अब आगे देखिए, ये देखिए, उपवनम शोभम दृष्ट्वः सिद्धार्थः अतीव प्रसन्ना अभवत्। उपवन के बगीचे की शोभा को देख कर, दृष्टो मतलब देख कर, सिद्धार्थ क्या हुआ, अति प्रसन्न होता हुआ, अति प्रसन्न हुए। तदे सहसा एक राजहंसा आकाशात अपतत। तभी अचानक क्या होता, सहसा मतलब अचानक, एक क्या है, राजहंस क्या है, आकाश से गिरा। सः बाणेन आहता आसीत। शा मतलब वह, बाणेन मतलब बाण से, आहता मतलब क्या था, घायल था, यानी वह क्या है, बाण से क्या था, घायल था। सिद्धार्था सत्वरहम तस्य समीपम आगच्छत। सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ, सत्वर मतलब शीघ्र, तस्य मतलब उसके क्या है, पास गया, यानी सिद्धार्थ तुरंत शीघ्र उसके पास गया। राजहंसा पीड़ाया करुणम अक्रदत यानी राजहंस की पीड़ा को देखकर वो क्या हो गए, अक्रदत हो गए, यानी वो क्या हो गए, थोड़ा दया उनके कंदन किया। राजहंसा पीड़ाया करुणम अक्रदंत मतलब राजहंस ने पीड़ा के कारण क्या किया, अक्रदंत मतलब कंदन किया। हंसम दृष्ट्वः सिद्धार्थस्य हृदयम् दया अद्रुवत। यानी हंस को देखकर सिद्धार्थ के हृदय में क्या हुआ, दया से द्रवित हो गया। सिद्धार्थ तम हंसम सरोवर तटे अनियत। सिद्धार्थ तब क्या हुआ, हंस को सरोवर यानी तालाब के किनारे ले गया, ले लाए। तस्य वर्णम निर्मलेन जलेन स्वच्छम अकोरत। तस्य मतलब उसके क्या है, उसके घाव को क्या है, वर्णम मतलब घाव को, निर्मलेन मतलब साफ करा, जलेन मतलब जल से स्वच्छ और साफ किया, यानी उसके जो घाव था शरीर में उसे जल से उन्होंने क्या करा, साफ किया। तस्य परिचाय स्नेहेन च हंसः स्वस्थ अभवत। तस्य मतलब उसके क्या है,
उनकी देखभाल के लिए इवर्चैमलिस ने अनमला हंस करके उसे स्वस्थ अभवत उसे स्वस्थ किया, स्वस्थ हो गया। जब उन्होंने उसकी देखभाल की तो उसे क्या है, हंस क्या हो गए, स्वस्थ हो गया। अब आगे देखिए, तदेव देवदत्तः तत्र आगच्छत्। तब देवदत्त वहाँ, तत्र मतलब वहाँ आ गए। शाह सिद्धार्थम प्रति अवदत्त, वहाँ सिद्धार्थ से बोला, क्या बोला, अयम मम हंसः, अयम मतलब यह, मम मतलब मेरा हंस है, यह मेरा हंस है। किसने बोला, देवदत्त ने। सिद्धार्थ अवदत्त, सिद्धार्थ ने बोला, अयम हंसा मम अस्ति, अयम मतलब यह हंस, मम मतलब मेरा है, यह हंस मेरा है। देवदत्त ने भी बोला यह हंस मेरा है, और सिद्धार्थ ने भी बोला यह हंस मेरा है। अहम इमम न दस्यामि, अहम मतलब यह क्या है, इसे मैं नहीं दूंगा। देवदत्त तम अवदत्त, देवदत्त ने बोला, तब बोला, क्या बोला, अहम इमम राजहंसम बाणेन अपातयम्, अहम मतलब यह, इमम मतलब मैंने इस राजहंस को क्या है, बाण से गिराया, अपातयम् इसे मैंने बाण से गिराया है। अथा अयम हंसा मम अस्ति, अथा अयम मतलब यह हंस मेरा है। सिद्धार्था देवदत्तम अवदत्त, सिद्धार्थ यह है देवदत्त से बोला, अयम अस्य रक्षणम अकर्वम, अहम मतलब मैंने अस्य मतलब इसकी क्या की है, रक्षा की है। अथा अयम हंसः मम अस्ति, अथ यह हंस मेरा है। एवं तयोर राजकुमारियोः विवादः अभवत्। तब क्या है, उनमें क्या हो गया, विवादः मतलब झगड़ा हो गया, दोनों राजकुमारों में क्या हो गया, झगड़ा हुआ। तो न्यायाधीशस्य समीपम आगच्छताम, तो मतलब वो दोनों क्या है, न्यायाधीश मतलब जज के पास गए, दोनों राजकुमार कहाँ गए, न्यायाधीश के पास या जज के पास गए। तत्र स्वयं पक्षम अवदत्ताम, तत्र मतलब वहाँ, स्वयं मतलब अपने अपने पक्षम मतलब पक्ष रखा, और बोला कि न्यायाधीशः तयोः पक्षम श्रुतः निर्णयम अकोरत, न्यायाधीश ने उन दोनों का क्या है, पक्ष सुना और निर्णय लिया। रक्षकः भक्षकाता परस्त्रः भवति, यानी जो रक्षक होता है, परस्त्र मतलब श्रेष्ठ होता है, भक्षकाता यानी भक्षघात नहीं होता है, जो रक्षा करने वाला तो है वही श्रेष्ठ होता है। सिद्धार्थः अस्य रक्षकः, यानी सिद्धार्थ इसके क्या है, रक्षक है, इन्होंने इसकी क्या करी है, रक्षा करी। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, सिद्धार्थ के पास इसका क्या है, हंस है। अतः सः हंसं नयति, अथा वो क्या ले जाएंगे, शाह मतलब वह हंस नयति, वह हंस को ले जाए। कालांतरे सिद्धार्थ एव गौतम बुद्धः इति नामनः प्रसिद्धः अभवत्। कालांतरे बाद में सिद्धार्थ क्या है, गौतम बुद्ध के नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो ये थी बच्चों ये कहानी दयालु सिद्धार्थ की, किस तरह से उसने इस राजहंस पे दया की है, और देवदत्त ने उसे बाण से भी गिराया तब कह रहे कि हंस मेरा है। तो हमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें जीवों पे दया करनी चाहिए। जिस तरह से क्या है, दयालु सिद्धार्थ ने इस हंस पे क्या की है, दया की है। तो आशा करती हूँ कि आपके समझ में ये पाठ आ गया होगा, आपने ये शब्द अर्थ याद करने हैं, इसके माध्यम से इसका भावार्थ समझना है।